द कश्मीर फाइल मूवी के बाद अब जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा शेयर की गई अनकही कश्मीर फाइल की क्लिप, लिखा अब चुप नहीं बैठेंगे, तो विवेक अग्निहोत्री ने भी दिया जवाब। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। द कश्मीर फाइल फिल्म के बाद अब जम्मू कश्मीर पुलिस के ट्विटर हैंडल से एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। इस वीडियो क्लिप के साथ टाइटल है अनकही कश्मीर फाइल। इसके साथ ही कश्मीर में शहीद हुए मुस्लिम पुलिस ऑफिसर की कहानी बताई गई है। बताया गया है कि आतंकवादियों ने कैसे पुलिस ऑफिसर के घर में घुसकर मार दिया था। द कश्मीर फाइल के रिलीज के बाद 32 साल पुराने कई मामले सामने आ रहे हैं। कई लोग पुरानी घटनाओं के वीडियोस और फोटोज शेयर कर चुके हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी एक क्लिप शेयर की है। इस क्लिप की शुरुआत होती है अनकही कश्मीर फाइल टाइटल से। इसके बाद कुछ महिलाएं छाती पीटती दिखती हैं। आतंकी एसपीओ अशफाक अहमद के घर में घुस गए, उन्हें और उनके भाई उमर जान को मार डाला। शांति प्रिय कश्मीरियों की लगातार बर्बर हत्याएं होती रही। टारगेट करके की गई इन हत्याओं में कश्मीर ने 20,000 जिंदगियां गंवाई। ये वक्त है बोलने का, आप चुप नहीं बैठेंगे, हम माफ नहीं करेंगे, हम कश्मीर हैं, हम देखेंगे। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस के इस वीडियो को विवेक रंजन अग्निहोत्री ने भी शेयर किया। उन्होंने लिखा है, मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकियों के हाथ मारे गए अपने अफसरों के लिए द कश्मीर फाइल से प्रेरित कैंपेन शुरू किया। आतंकी हर एक पीड़ित के साथ मेरी दुआएं हैं। तो वहीं इस क्लिप को फिल्म मेकर ऑनर ने भी शेयर किया है। साथ ही उन्होंने लिखा, सम्मान प्यार और आभार उन हजारों कश्मीरी शहीदों का जिन्होंने देश के लिए जान दे दी। वहीं इस पर विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट कर लिखा, ये कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार था। इसके साथ में मारे गए ज्यादातर कश्मीरी मुस्लिम या तो जम्मू कश्मीर पुलिस थे या फिर इंडियन गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे थे। वहीं विवेक अग्निहोत्री द्वारा इस ट्वीट के बाद कई सोशल मीडिया यूजर्स भी रिएक्शन देते नजर आ रहे हैं। तो वहीं एक यूजर ने इस पर विवेक अग्निहोत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये वास्तव में कश्मीरी मुसलमानों की हत्याओं को जानबूझकर अनदेखा करने के लिए आपके चेहरे पर एक तमाचा है। मैं एक यूजर ने इस पर विवेक अग्निहोत्री से अपील करते हुए कहा कि कश्मीर फाइल 2 में ये भाग होगा, विवेक अग्निहोत्री जी कृपया इसका दूसरा वर्जन भी बनाएं। तो वहीं शहजाद नाम के एक यूजर ने इस पर ट्वीट करते हुए लिखा, ये मानवता का नरसंहार था, सभी भावनाओं का सम्मान करें। तो वहीं नेशनलिस्ट नाम के एक यूजर ने विवेक अग्निहोत्री पर आरोप लगाते हुए कहा, लेकिन आपने इसे फिल्म में नहीं डाला क्योंकि आप समाज में मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करना चाहते थे और उन्हें हमलों के लिए कमजोर बनाना चाहते थे। इस पर जयप्रकाश मेहता नाम के एक यूजर ने लिखा कि मैं कश्मीर गया हूँ, मैं कश्मीरी मुसलमानों के साथ रहा हूँ, मुस्लिम शाही और बहुत मिलनसार वर्ग से हैं। आतंकवादियों की तुलना या बराबरी कश्मीरी मुसलमानों से ना करें। ऐसे कितने ही सोशल मीडिया यूजर हैं जो इस पर अपने रिएक्शंस देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।